कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशन वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं हूं एक सिंह, और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। रेडमी नोट 11 सीरीज में सुबह मैंने वीडियो बनाया है रेडमी नोट 11 प्रो प्लस का। अब रेडमी नोट 11 में तो तीन स्मार्टफोन आते हैं, रेडमी नोट 11 प्रो और प्रो प्लस। वैसे रियलमी के नंबर सीरीज में अभी तक दो ही आते थे, रियलमी एंड एक रियलमी प्रो, 8 प्रो 9 प्रो, ऐसा मतलब कहा जा रहा था कि 9 प्रो आएगा, अभी तक आया नहीं है। लेकिन इस बार तीन आने वाले हैं, इन दोनों को छोड़ के एक प्रो प्लस इसमें भी आने वाला है, उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वैसे आज IMEI डेटाबेस पे लिस्ट हो गया है, अच्छी चीज है, यानी लॉन्च जल्दी है। वैसे रियलमी वालों ने कहा भी था कि अगले साल लॉन्च होने वाला है, तो आपके जनवरी इंडिया में आपको जनवरी या फरवरी में देखने को मिलेगा, ज्यादा चांसेस है कि जनवरी में देखने को मिल जाए तीनों स्मार्टफोन। वैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या स्पेसिफिकेशन होंगे, अभी उसके बारे में देखेंगे। रियलमी 9 और 9 प्रो के बारे में पहले काफी प्रेडिक्शंस आ चुके हैं एंड इस बार भी चेंज होते रहेंगे, ठीक है। जैसे जैसे लीक्स आते रहेंगे वैसे वैसे उसमें इंप्रूवमेंट्स आते रहेंगे। वैसे रियलमी 9 प्रो प्लस के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, आज IMEI डेटाबेस पे लिस्ट हो गया है क्या स्पेसिफिकेशन होंगे। मेरे हिसाब से, क्योंकि रेडमी नोट 11 प्रो प्लस का जो मैंने प्रेडिक्शन किया था राइट हुआ, जाके सुबह वाला वीडियो देखिए पूरा, उसी के बारे में बात करेंगे। चलते हैं, पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों पसंद है। बात करते हैं इस स्मार्टफोन की। वैसे मैं बता दूं कि इसको आप कंपेयर मत करना रेडमी नोट 11 प्रो प्लस से, क्योंकि ये उसको कम्पीट करने नहीं आने वाला है, उससे थोड़ा सा नीचे होगा। क्या होंगी चीजें, इसमें भी आपको 120 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड का पैनल मिलेगा साइड पंचोल के साथ, वही साइड पंचोल कंटिन्यू रहेगा। एंड अच्छी चीज है, रियर साइड पे ट्रिपल कैमरा का सेटअप रहेगा, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आएगा, देखने में जैसे रियलमी के स्मार्टफोन रहते हैं वैसा ही दिखेगा फ्रंट से डिस्प्ले, एंड रियर साइड से थोड़े से चेंजेस के साथ आ सकता है आपको। चलिए, पीछे रियलमी की ब्रांडिंग भी रहेगी। इसके साथ साथ चिपसेट की बात करोगे तो यहाँ पे डायमेंसिटी 1200 या फिर आपको स्नैपड्रैगन 870 देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसमें आपको मिलेगा स्नैपड्रैगन 778G। ऑक्टाकोर का चिपसेट है, आपको मालूम है कि 6 MP भेज रहा तो बैटरी एफिशिएंसी आपको तगड़ी मिल जाती है, एंड पॉसिबली ज्यादा चांसेस है कि रियलमी 9 प्रो और इसमें दोनों में आपको यही देखने को मिले। अब ये देखने वाली बात होगी क्या लेकर आते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि दोनों में आपको यही देखने को मिले। अच्छा, रियलमी 9 जो है ना, ये 15,000 के आसपास का ही फोन होगा, और उसमें हो सकता है कि 4G आए या 5G आए, देखने वाली बात होगी। सुपर एमोलेड उसमें भी रहेगा, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि उसमें 4G आता है कि 5G। उसमें कोई चीपर वाला चिपसेट डायमेंसिटी वाला रहेगा। रियलमी 9 प्रो जो होगा ना, उसमें भी आपको डायमेंसिटी 900 या फिर 778G देखने को मिल सकता है, फिर बाकी स्पेसिफिकेशन थोड़े से कम हो जाएंगे। इसमें ज्यादा चांसेस है कि स्नैपड्रैगन 778G ही आए, अच्छी चीज है। एंड ये रियलमी UI 3.0 के ऊपर आएगा, जो कि एंड्रॉइड 12 के ऊपर रहेगा, जो कि और भी अच्छी चीज है। यानी जैन तक आएगा तब तक आपको शायद एंड्रॉइड 12 इसमें मिल जाए देखने के लिए। चलिए, यानी परफॉर्मेंस का सेगमेंट आपको तगड़ा रहेगा। इसके बाद कैमरा की बात करोगे तो इसमें आपको 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा मिलेगा, ये एक डिफरेंशिएशन वाली चीज होगी रियलमी 9 प्रो से। उसमें आपको 64 रहेगा, इसमें आपको 108 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा रहेगा। आप ऑप्टिमाइजेशन कैसा करते हो देखने वाली बात होगी। 108 का प्राइमरी रहेगा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड रहेगा, इसके साथ एक मैक्रो आपको या तो फिर डेप्थ देखने को मिल सकता है। अब ये देखेंगे कौन सा लेकर आते हैं। फ्रंट में अगेन आपको 32 मेगापिक्सल का सेंसर मिलेगा, जो कि पॉसिबली रियलमी 9 प्रो में सिर्फ 16 मेगापिक्सल का होगा, इसमें आपको 32 वाला रहेगा। तो रियर से 4K कर पाओगे, फ्रंट वाले से 1080 बुके पैनोमेजिया सब गलो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बैटरी 5000 mAh वाली रहेगी, फास्ट चार्जर 65W वाला ही रहेगा, उसमें ज्यादा चांसेस नहीं है इंप्रूव होने के। एंड इसके साथ साथ आपको टाइप सी का पोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। सेंसर्स की बात करोगे, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आएगा, फेस अनलॉक, एक्सेलेरोमीटर, मिड लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, स्टीरियो स्पीकर्स, 3.5 mm जैक, जितने भी आपको सेंसर्स होते हैं वो सारे मिल जाएंगे, सेंसर्स में कोई इशू नहीं आएगा। रेडमी की तरह आपको आईआर ब्लास्टर नहीं मिलेगा, बट बाकी सारे सेंसर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, अच्छी चीज है। देन इसके बाद जाओगे आगे तो इसमें आपको पॉसिबली डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट मिलेगा, यानी एक्सपांड कर पाओगे, अच्छी चीज है ये भी। एंड वेरिएंट यहाँ पे आपको 6GB 128GB से ज्यादा चांसेस चालू हो, रेडमी की तरह 8GB वाले से नहीं चालू करेंगे, तो 6GB 128GB का तो प्राइसिंग भी थोड़ी कम रख पाएंगे। इसके अलावा आपको 8GB रैम वाला वेरिएंट भी मिलेगा, ये नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन बेस जो होगा वो 6 से चालू होगा। एंड प्राइसिंग की बात अगर पूछोगे तो मेरे हिसाब से इसकी प्राइस 21,000 से 23,000 के बीच में चालू हो सकती है। इंडिया में जो प्राइसिंग रहेगी ना, वो 21,000 से 23,000 के बीच में चालू होगी। लेट्स सी, देख लेते हैं आने वाला है। एंड जो रियलमी 9 प्रो होगा वो प्राइस आपको 18,000 से 20,000 के बीच में होगी, एंड जो रियलमी 9 रहेगा वो आपको 15,000 से 17,000 के बीच में चालू होता हुआ दिख सकता है, इसीलिए इसकी प्राइस 21,000 से 23,000 के बीच में होगी। एंड जो हाईएस्ट वेरिएंट रहेगा वो 25,000 से 26,000 के आसपास तक आ जाएगा। चलिए, आता है तो आपको कैसा लगेगा जरूर बताना। अगर इन स्पेसिफिकेशन के साथ इस प्राइस पे आता है 21,000 से 22,000 की प्राइस पे,
तो आप लोगों की नहीं रियलमी 9 प्रो प्लस को जरूर बता देना कैसा लगा वीडियो, ये भी बता देना पसंद आया, लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद डिसलाइक करके मुझे बता देना कि नहीं पसंद है। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट कर सकते हो, सपोर्ट करने खास नहीं करना, साइड में देखो वेक्टर इमेजेस के ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है कुछ भी पूछना आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सब आंसर्स मिलते हैं आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।